नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 21 जून 2021 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु और बुध वृषभ राशि में, मिथुन राशि में सूर्य और शुक्र, मंगल कर्क राशि में नीच का, चंद्रमा तुला राशि में, वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में शनि और कुंभ राशि में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति भी वक्री हो गए हैं, बुध का वक्रत्व खत्म होने वाला है और शनि भी वक्री, मुख्य रूप से शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अभी चलेंगे। राशिफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा आइए देखते हैं। मेष राशि 21 तारीख को आनंददायक जीवन गुजारेंगे, आनंदमय प्रतीत होगा सब कुछ, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, प्रेम की स्थिति अच्छी रहेगी और व्यापार आपका बहुत बढ़िया। सूर्य को जल दीजिए और काली जी का स्मरण करिए। वृषभ राशि, शत्रु उपद्रव संभव है लेकिन शत्रु शमन भी संभव है, खुद ही दब जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम और धन थोड़ा सा मध्यम रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक गुजर जाएगा। शनिदेव का स्मरण करते रहे। मिथुन राशि, भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, प्रेम में तूतू मैमे का संकेत है, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार पहले से बेहतर दिख रहा, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। कर्क राशि इस समय पहले से काफी बेहतर चल रहा है, भले ही नीच का मंगल लग्न में बैठा हो लेकिन यह मंगल पंचमेश है, आपका दशमेश है, ज्ञान बढ़ेगा, व्यवसाय करने की शक्ति बढ़ेगी, प्रेम में अपनापन आएगा, नवप्रेम का आगमन होगा, स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर दिख रहा है, कलह से बचे, हनुमान जी का स्मरण करते रहे। सिंह राशि, व्यवसायिक लाभ के संकेत है, स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम और व्यापार की स्थिति भी पहले से काफी बेहतर है, तो कुल मिलाकर के आप पहले से बेहतर चल रहे। पीली वस्तु पास रखें, भगवान विष्णु का स्मरण करें। कन्या राशि, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रेम की स्थिति अस्थायीपन के तरफ जा रहा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा मध्यम समय ये चल रहा है, बहुत परेशान ना हो, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, ये मैं आपको बताया। गणेश जी की आराधना करना आपके लिए उचित रहेगा। तुला राशि, सितारों की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी, प्रेम और बच्चों के सेहत पे ध्यान दीजिए, व्यापार धीरे धीरे चलता रहेगा, शनिदेव का स्मरण करते रहे। वृश्चिक राशि, मन चिंतित रहेगा, किसी बात को ज्यादा सोच करके मन परेशान होगा, काल्पनिक भय भी आपके साथ रहेगा, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम बेहतर, व्यापार ठीक ठाक, कुल मिलाकर के थोड़ा मध्यम समय है, पार कर जाएगा, सफेद वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। धनुराशि की स्थिति, आर्थिक मामले सुदृढ़ होंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, शुभ संकेत दिखाई पड़ रहा, स्वास्थ्य प्रेम
और व्यापार तीनों बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेम पे, प्रेम के सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बजरंग बाण का पाठ करें। मकर राशि, भाग्यवश कुछ काम बनेगा, धर्म से जुड़े रहेंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, यात्रा में लाभ के संकेत है, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम और व्यापार अच्छा दिख रहा है, काली जी का स्मरण करते रहे। कुंभ राशि, कुंभ राशि की स्थिति पहले से बेहतर कहा जाएगा, जोखिम से उबर चुके हैं, बस निर्णय, अपने निर्णय में किसी भी अपनों को शामिल कर लीजिए, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार अच्छा दिख रहा है, भगवान गणेश की आराधना करते रहे। मीन राशि, अभी जोखिम बना हुआ है, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम में तू तू मैं मैं से बचे, परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल है, व्यापार करीब करीब ठीक रहेगा, पीली वस्तु पास रखें, काली जी की आराधना करें, अच्छा होगा। नमस्कार।